हेलो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू 8th चैप्टर ऑफ थर्ड क्लास टेंसेस। हमने कल प्रेजेंट और पास्ट सिंपल के बारे में रीड किया था, बट फ्यूचर के बारे में भी रीड कर लिया था और भी रीड करेंगे। वी चेंज द स्पेलिंग्स ऑफ सम वर्ब्स टू मेक देयर पास्ट टेंस। कुछ जो वर्ब्स होती हैं, ठीक है, जिसमें ई डी लगाने से, ठीक है, सेकेंड फॉर्म और पास्ट टेंस में वो चेंज हो जाती हैं, बट कुछ जो वर्ब्स हैं उनकी जो सेकंड फॉर्म है, मीन टू से दैट पास्ट टेंस है, वो अलग होते हैं। जैसे ब्रिंग का ब्रोट, ब्रिंग लाना होता है। मेक का मेड, मेक बनाना, मेड मतलब बनाया। स्विम स्वैम, स्विम तैरना। शूट शॉट, शूट करना। फॉल फैल, फॉल गिरना, इसका फैल अलग हो गया ना पास्ट टेंस। गो वेंट, गो मीन्स जाना। नो जानना किसी चीज़ को। रन भागना, रेन भागा। थिंक सोचना, थॉट सोचा। टेक देना, टुक सेकंड फॉर्म हो गई। एंड कम आना, केम सेकंड फॉर्म होगी। स्लीप सोना और स्लेप्ट सेकंड फॉर्म होगी। ठीक है, इस प्रकार कुछ वर्ब्स के ये वर्ब्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी। द सिंपल फ्यूचर टेंस, ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। When an action or an event is going to take place in time to come, then the action is expressed in the simple future tense. जब कोई भी action ऐसे दर्शाया जाता है जो आने वाले time में, ठीक है, जैसे I will go जयपुर tomorrow, मैं जैसे कल जयपुर जाऊँगा, ऐसे करूँगा, कल school जाऊँगा, अपना कल work करूँगा, कल वहाँ जाऊँगा, ऐसे करूँगा, इस प्रकार जो sentence होते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो आने वाले कल के बारे में बात करते हैं, तो वो पास्ट सॉरी फ्यूचर सिंपल में आते हैं। तो इसमें हम विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो शैल विल क्या हमें दर्शाते हैं कि जो हमारा टेंस है वो फ्यूचर फ्यूचर टेंस है। शी विल राइट अ लेटर टुमारो, टुमारो आ गया, ठीक है, कल, टुमारो, टुमारो से हमें पता चलता है कि आने वाला कल है, तो इसलिए विल राइट लगा है, ठीक है, वो कल लेटर लिखेगा। ही विल ईट एन एप्पल टुमारो, वो एक एप्पल खाएगा कल। अंकल सैम विल वियर ग्लासेस टुमारो, अंकल सैम क्या है, ग्लासेस पहनेंगे टुमारो। मम एंड डैड विल हेट कॉकरोचेस, मम और डैड क्या हेट करेंगे कॉकरोचेस से। मैरी विल डांस एंड सिंग टुमारो, मैरी क्या है, डांस करेगी और सिंग भी करेगी टुमारो। तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी, वैसे यहाँ पे क्या है, टुमारो टुमारो आया हुआ है, इससे हमें पता चलता है, ठीक है, इस प्रकार इस पता चलता है हमें आने वाले कल के बारे में बात हुई है, ठीक है। और ऐसे अगर हमें ये बोला जाता है कि हमें फ्यूचर फ्यूचर सिंपल में किसी सेंटेंस को चेंज करो, तो उसमें हम सब्जेक्ट के बाद में विल के विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। ओके, लेट्स डू एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट आंसर। जॉनी डैश मिल्क एवरी मॉर्निंग, ठीक है, तो एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग, ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस में आएगा। जो हैबिचुअल्स होती हैं, जो यूजुअल डेली की जो वर्क होते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल में आती हैं। तो यहाँ पे जॉनी है, हमें प्रेजेंट टेंस का लिखना है। ओके, ड्रैंक पास्ट टेंस का होगी सेकंड फॉर्म, ये हम राइट कर नहीं सकते। ड्रिंक यहाँ पे नहीं राइट कर सकते क्योंकि जोनी है यहाँ पे सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम ऐसे ईएस लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है ड्रिंक्स है, बिकॉज जोनी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यहाँ ईएस लगता है। ओके, नेक्स्ट, हेनरी डैश स्नेक यस्टरडे, यस्टरडे मतलब जो बीत गया, तो डेफिनेटली ये हमारा पास सिंपल टेंस है। हमें कहाँ से पता चला, यस्टरडे से पता चला। तो विल किल होगा तो फ्यूचर हो जाएगा, तो किल्स होगा तो प्रेजेंट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो किल्ड सेकंड फॉर्म आ जाएगी। माय ब्रदर डैश हियर नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मंडे, सॉरी, नेक्स्ट मंडे मीन्स आने वाला सोमवार, ठीक है, आने वाला मंडे जो है, ठीक है, उसके बारे में बात हुई है, तो फ्यूचर सिंपल का यूज करेंगे। तो फ्यूचर सिंपल यहाँ पे कौन सा है, विल कम। ओके, ओके, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द सिंपल पास्ट टेंस। ये सेंटेंसेस हमें सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। द ऑस्ट्रिच रन्स वेरी फास्ट, जो ऑस्ट्रिच है वो बहुत तेज भागती है।
द ओस्ट्रिच रेन वेरी फास्ट, क्योंकि हम देखो रन्स जो हैं ऐसा लगा है ऑस्ट्रिच सिंगुलर है इसीलिए, बट हमें अब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं जब, तो वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। जॉन एंड डेविड प्ले टेनिस, तो हमें क्या पास्ट सिंपल में बनाने के लिए हमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है तो प्लेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया जॉन एंड डेविड प्लेड टेनिस, ठीक है, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। उसी प्रकार अदर सेंटेंसेस में भी, रॉबर्ट बेक्स अ डिलीशियस केक, बेक्स यहाँ पे प्रेजेंट है बट हमें पास्ट में करना है तो बेक्ड आ जाएगा, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ईडी लगा के हमें लिख देनी है। द टाइगर चेजेस अ डियर, तो यहाँ पे चेज्ड आ जाएगा, यहाँ पे भी हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिख देनी है। जो एंड रॉबिन वर्क वेरी हार्ड, तो वर्क यहाँ पे वर्ब वर्क है, जो एंड रॉबिन तो हमें पता चल रहा है नेम है, और तो फिर यहाँ पे हमने वर्क वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देना, ठीक है। इस प्रकार आपको ये कर लेना है, सिर्फ जो ये जो वर्ब्स हैं वो सेकंड फॉर्म लगेगी, बाकी सेम रहेगा। जैसे प्लेड हो जाएगी, बेक्ड हो जाएगी, चेस्ड हो जाएगी एंड वर्क हो जाएगी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो ये प्रेजेंट के टेंस हैं, ठीक है, सेंटेंस हैं, तो इसमें हमें देखना है सिंगुलर के साथ ऐसे ही यस लगा वाला लगाना है, हमें ऐसे ही यस लगानी है, और जो प्लूरल है उसमें हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देनी है। अब देखो जॉन डैश बर्गर्स एंड पिज्ज़ा, तो लव है तो लव्स आ जाएगा क्योंकि जॉन सिंगुलर है तो हम लव्स लिख देंगे। गुड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल में है तो ओबे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे यहाँ एस प्लूरल में नहीं लगेगा। एंड पीटर डैश हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑन वीकेंड्स, वीकेंड्स पे पीटर क्या है, विजिट करता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, तो पीटर सिंगुलर है तो विजिट्स आ गया। नैन्सी ऑलवेज डैश थिंग्स फ्रॉम द सेम शॉप, बाइज, क्योंकि नैन्सी सिंगुलर है तो बाइज आ गया, ऐसा लग गया बाई के साथ। एंड वी डैश, वी क्या है, प्लूरल में है तो वॉच आ जाएगा, ठीक है, वॉच के साथ ऐसे नहीं राइट करेंगे हम। हाँ जी, अब इसमें हमने पास्ट टेंस राइट करना है, मतलब पास्ट सेकंड फॉर्म राइट करनी है। तो वांट का वांटेड आ गया, वर्क का वर्क्ड, वेट का वेटर, आस्क का आस्क्ड, प्ले का प्लेड और कॉल्ड का कॉल्ड। थैंक यू। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम कल करेंगे, ओके। आप जो ये जो वर्ब्स हैं, ठीक है, इनकी सेकंड फॉर्म्स हैं अच्छे से लर्न कर लें।